ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो आज हम देखेंगे कि सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस क्या होती है। व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस? तो सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस को सिंगल साइन इन प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। इसमें यूज़र को मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए केवल एक बार यूज़र आईडी और पासवर्ड देना होता है। सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन सर्विस में यूज़र को एप्लीकेशन में एक बार साइन इन करना होता है और उसे अनेक बार एक्सेस की परमिशन मिल जाती है। पार्टीज इन्वॉल्व, मतलब इसमें तीन पार्टीज शामिल होती हैं। पहला होता है वेब ब्राउज़र, दूसरा होता है CAS सर्वर और तीसरा होता है एप्लीकेशन सर्वर। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये वर्क करता कैसे है। जो वेब ब्राउज़र होगा, जो क्लाइंट यूज़ कर रहा होगा, वो पहले क्या करेगा, सिंपल क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर के लिए कि हमें आपकी कुछ सर्विसेज को एक्सेस करना है। तो फिर क्या होगा, वो जो उसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी CAS सर्वर के पास उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। तो फिर वो जो CAS सर्वर होगा वो ऑथेंटिकेशन आईडी जो हैं उनको मैच करेगा डेटाबेस से। किसके डेटाबेस से? एप्लीकेशन सर्वर के डेटाबेस से। और फिर जो एप्लीकेशन सर्वर होगा वो एक टिकट वैलिडेशन करके उसको एक टिकट प्रोवाइड करेगा CAS सर्वर को, और वो टिकट CAS सर्वर वेब ब्राउज़र को दे देगा। अब वेब ब्राउज़र में जो क्लाइंट है वो उस एप्लीकेशन सर्वर से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा है तो उसको बार बार उनमें लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टिकट के थ्रू वो ऑथराइज्ड माना जाएगा, मतलब वो सिर्फ़ एक बार लॉगिन करके उससे रिलेटेड सारी सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। वर्किंग में यही है कि इस प्रोसेस में जब यूज़र क्लाइंट वेब ब्राउज़र से किसी वेब एप्लीकेशन पर लॉगिन करना चाहता है तो क्लाइंट वेब ब्राउज़र से उसकी रिक्वेस्ट CAS सर्वर पर जाती है। CAS सर्वर यूज़र आईडी और पासवर्ड को डेटाबेस से मैच करके उसे एक सर्विस टिकट प्रोवाइड करता है। जब सर्विस टिकट प्रोवाइड हो जाती है तो यूज़र ऑथराइज्ड हो जाता है। फिर यूज़र किसी भी एप्लीकेशन को बिना लॉगिन करके एक्सेस कर सकता है। सर्वर यूज़र को एक सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है। दूसरा क्या है, क्लाइंट यूज़ ट्रस्टेड एप्लीकेशन इशूड बाय CAS। CAS सर्वर द्वारा जो ट्रस्टेड एप्लीकेशन है क्लाइंट सिर्फ उनका ही यूज़ कर रहा है, और सर्वर को भी क्या हो रहा है, सर्वर भी ऑथेंटिकेशन यूज़र को ले पा रहे हैं। तो सर्वर यूज़ ऑथेंटिकेशन यूज़र। थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।